एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में आर्यन और रिया नाम के दो अभिन्न मित्र रहते थे। 10 साल का लड़का आर्यन शिक्षा और खेल दोनों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था, जिससे उसके माता पिता और शिक्षक गौरवान्वित होते थे। दूसरी ओर रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त शरारती थी और हमेशा चंचल योजनाओं से भरी रहती थी। एक दिन उनके शिक्षक ने घोषणा की कि आगामी विज्ञान परीक्षा छात्रों का इंतजार कर रही है, कल की परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें, उसने चेतावनी दी। खराब अंक आने पर प्रिंसिपल के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। स्कूल के बाद आर्यन मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए घर चला गया। हालांकि रिया की अन्य योजनाएं थीं। वह आर्यन के घर पहुंची और बोली, अरे आर्यन, चलो पार्क में चलें और कुछ मौज मस्ती करें, परीक्षाएं रुक सकती हैं। परिणामों से अवगत आर्यन ने जवाब दिया, मैं आज नहीं कर सकता रिया, मेरे पास कवर करने के लिए 2 और अध्याय हैं। घर जाओ और अध्ययन भी करो, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इन अध्यायों को नहीं समझ सकती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा संघर्ष करती हूं, रिया ने विनती करते हुए कहा। अनिच्छा से आर्यन रिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन विज्ञान की परीक्षा के दौरान आर्यन ने रिया को अपने उत्तर देखने दिए। उनकी राहत के लिए रिया ने अच्छा स्कोर किया। हालांकि रिया के अचानक सुधार से सशंकित शिक्षक ने घोषणा की, कल हमारी गणित की परीक्षा है। चिंतित होकर रिया ने आर्यन की ओर रुख किया, जिसने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो रिया, मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन जैसे ही वे गणित की परीक्षा देने पहुंचे, शिक्षक ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। आर्यन, आज तुम रोहन के साथ बैठोगे, उसने बैठने की जगह को फिर से व्यवस्थित करते हुए घोषणा की। उलझन में आर्यन ने रिया को अकेला छोड़कर अपनी नई सीट ले ली। जैसे ही रिया को आर्यन की मदद के बिना गणित की परीक्षा में संघर्ष करना पड़ा, उसे बेईमान तरीकों पर भरोसा करने के परिणामों का एहसास हुआ। अपना पेपर जल्दी खत्म करके आर्यन को रिया की परेशानी का एहसास हुआ। आर्यन और रिया दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने बेईमान कार्यों पर पछतावा हुआ। उनके पास जाकर शिक्षक ने समझाया, रिया, मुझे पता था कि तुम आर्यन के उत्तरों की नकल कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सीटें बदल दी। अच्छे दोस्त एक दूसरे को गलतियों से दूर रहने का मार्गदर्शन देते हैं, वे उन्हें छिपाते नहीं हैं। कहानी एक मूल्यवान सीख देती है, सच्चे दोस्तों को अपने दोस्तों को धोखे में मदद करने के बजाय गलतियां करने से रोकना चाहिए। आर्यन और रिया ने सीखा कि ईमानदारी और विश्वास सच्ची दोस्ती की नींव है। शहर के दूसरे हिस्से में दो भाई बहन रोहित और माया ने खुद को झूठ के जाल में फंसा हुआ पाया, जिसके अप्रत्याशित परिणाम हुए। उनके चंचल इरादों के बावजूद उनके कार्यों ने उन्हें बेईमानी के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। 8 और 10 साल की उम्र के रोहित और माया शहर के मध्य में रहने वाले एक जीवंत परिवार का हिस्सा थे। अपने शरारती कारनामों के लिए मशहूर यह जोड़ी अक्सर खुद को मनोरंजक स्थितियों में पाती थी। एक दिन उनके माता पिता को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बाहर जाना पड़ा, जिससे रोहित और माया घर पर अकेले रह गए। कुछ मनोरंजन के अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने इंडोर सॉकर के एक चंचल खेल में शामिल होने का फैसला किया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी अराजकता फैल जाएगी। जैसे ही उन्होंने उत्साह के साथ गेंद को इधर उधर उछाला, पूरे घर में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। चौंक कर वे टूटे हुए फूलदान और बिखरे हुए सामान को देखने के लिए लिविंग रूम में पहुंचे। घबराते हुए माया ने रोहित से फुसफुसाया, अब हम क्या करें, माँ और पिताजी क्रोधित होंगे। अपने पैरों पर खड़े होकर सोचते हुए रोहित ने सुझाव दिया, आइए इसका दोष पड़ोस की शरारती बिल्ली पर मढ़ दें। हम कह सकते हैं कि इसने सब कुछ खत्म कर दिया। सिर हिलाते हुए काल्पनिक बिल्ली के समान घुसपैठिए से चिंतित होने का नाटक करते हुए माया कार्य में शामिल हो गई। जब उनके माता पिता लौटे तो उनकी अनुपस्थिति में शरारती बिल्ली द्वारा उत्पात मचाने की मनगढ़ंत कहानी से उनका स्वागत किया गया। हालांकि उनकी योजना में अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब उनके माता पिता ने कहानी पर संदेह करते हुए सुरक्षा कैमरे के फुटेज की समीक्षा करने का फैसला किया। भाई बहनों के लिए यह भय की बात थी कि घर में किसी बिल्ली का कोई निशान नहीं था। अपने झूठ के जाल में फंसकर रोहित और माया को परिणाम भुगतना पड़ा। बेईमानी से निराश उनके माता पिता ने परिवार में सच्चाई और विश्वास का महत्व समझाया। परिणाम स्वरूप रोहित और माया को शारीरिक और रूपक दोनों ही दृष्टि से अपने द्वारा पैदा की गई गंदगी को साफ करना पड़ा। अंत में भाई बहनों ने सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और गलतियों को झूठ से छिपाने की कोशिश से केवल और जटिलताएं पैदा होती हैं।
उस दिन के बाद से रोहित और माया ने सच्चाई के प्रति एक नई प्रतिबद्धता अपनाई, यह समझते हुए कि उनके परिवार का विश्वास शरारत के किसी भी क्षणभंगुर क्षण से अधिक मूल्यवान था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।